तो गाइज रोमन रेंस का रिटर्न तो अब WWE में हो चुका है, लेकिन अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है और क्या उनका फ्यूचर है WWE में, अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और कल की मंडे नाइट रॉ में हमें काफ़ी बढ़िया सेगमेंट देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी सेगमेंट जिसको देख के सारे लोग हो गए थे खुश। और रोमन रेंज ने आके हमें मंडे नाइट रॉ में अनाउंस करा कि उनके लुकीमिया जो है वो अब दूर हो चुका है और वो कैंसर फ्री हो चुके हैं और अब वो WWE में वापस आ चुके हैं। तो कल रॉ में हमें एक टीज़र देखने को मिला था जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शील्ड फिर से रीयूनाइट होने वाली है और रोमन रेंज एक बार फिर से वो काम करके दिखाएंगे जो सेथ रॉलिंस अकेले नहीं कर पाए, और वो था डीन एम्ब्रोस का ओपिनियन बदलना। लेकिन हमें एक्चुअली में वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब बात यह है कि रोमन रेंस के पास कोई अभी फिलहाल मैच नहीं है रेसलमेनिया का, डीन एम्ब्रोस तो शायद कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं और सेथ रॉलिंस जो है उनका मैच होगा ब्रॉक लेसनर के साथ फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर रोमन रेंस के साथ क्या होगा और अब आगे क्या है उनके लिए। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आखिर रोमन रेंस कितने फिट हैं, क्या वो एक मैच लड़ सकते हैं या फिर जो कल उन्होंने मंडे नाइट रॉ पे करा सिर्फ वो उतना ही अभी कर सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर ये है कि रोमन रेंस अब 95% फिट हो चुके हैं और WWE चाहे तो उनको फास्ट लेन में भी एक मैच में डाल सकती है। और रोमन रेंस का एक खुद का पर्सनल डिसीजन था लुकीमिया के बाद जल्दी से जल्दी WWE में वापस आना, ऐसा कुछ भी नहीं था कि विंस मैकमैन या फिर किसी और ने उनको फोर्स करा कि रेटिंग्स की वजह से रोमन रेंस को वापस लाया जाए जल्दी। उनका खुद का डिसीजन था, वो चाहते थे कि जितनी जल्दी से जल्दी वो रिंग में वापस आ सके उनके लिए बढ़िया है। तो अगर ऐसा है तो रोमन रेंस मेरे हिसाब से फिट हैं फिलहाल लड़ने के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आने वाले पेपर व्यू फास्ट लेन में भी हमें रोमन रेंस का एक मैच देखने को मिलता है तो आप ज्यादा शॉक ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो वो एक सिंगल्स मैच नहीं होगा बल्कि एक टैग टीम मैच होगा और वो मल्टीपल पर्सन टैग टीम मैच हो सकता है जहां पे शील्ड टीम अप करेगी ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ और उनका मैच हो सकता है बैरन कॉर्बिन, एलायस, बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर के साथ गाइस, क्योंकि यही सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल। और इसी वजह से हो सकता है कि शील्ड का रियूनियन यहाँ पे WWE हमें एक फास्ट लेन पेपर व्यू में दे दे ताकि सारे लोग उस मैच को देखकर खुश हो जाएं। अब मेन गोल है रेसलमेनिया का, तो क्या आखिर रोमन रेंस करने वाले हैं रेसलमेनिया में, सवाल ये भी है। तो गाइस अभी तक जो मुझे लगता है जितने भी WWE प्लान्स रख रही है रोमन रेंस के लिए उनमें से दो या तीन प्लान्स हो सकते हैं। पहला तो सबसे ईजी प्लान है कि क्योंकि डीन एम्ब्रोस जा रहे हैं कंपनी छोड़ के तो रोमन रेंस अगेंस्ट एक हील डीन एम्ब्रोस मैच हो सकता है जिसको रोमन रेंस रेसलमेनिया में ईजिली जीत लें और उसके बाद रोमन रेंस की एक्चुअल स्टोरी लाइन स्टार्ट हो सकती है शायद, जिसमें वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को फिर से चेस करें। अब आप में से ही कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि क्या ब्रॉक लेसनर अगेंस्ट रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस हमें देखने को मिल सकता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच। मुझे लगता है कि WWE वो कर तो जरूर सकती है लेकिन उसकी जरूरत अभी बिल्कुल नहीं है। सेथ रॉलिंस को जो उनका चांस मिला हुआ है वो उनको पूरे तरीके से एक वन ऑन वन मैच देना चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और रोमन रेंस को WWE किसी भी फ्यूड में रख सकते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से जो एक्चुअल फ्यूड है रोमन रेंस की जो मेन स्टोरी लाइन होगी वो रेसलमेनिया के बाद ही स्टार्ट होगी क्योंकि अभी WWE ने ऑलरेडी सारे बड़े मैचेस को रेसलमेनिया के लिए बुक कर दिया है। तो गाइस अगर आपका अब सवाल रहेगा अब आगे क्या है रोमन रेंस के लिए, तो मैं आपको यही कहूंगा कि फास्ट लेन में भी हमें उनका एक मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो रेसलमेनिया में तो 101% रोमन रेंस का एक मैच हमें देखने को मिल ही जाएगा। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप क्या देखना चाहेंगे रोमन रेंस के साथ होते हुए रेसलमेनिया और फास्ट लेन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।